द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद रायबरेली। फार्मासिस्ट एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ। रायबरेली फार्मासिस्ट एसोसिएशन का चुनाव आज जिला अस्पताल में हुआ, जिसमें जिले भर के फार्मासिस्ट ने मतदान, कुल 50 सदस्यों ने मतदान किया। अध्यक्ष पद के लिए सुरेश चौधरी, मंत्री सुशीन राय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदीप कुमार, उपाध्यक्ष अतुल यादव, संगठन मंत्री सलील श्रीवास्तव, संयुक्त मंत्री दिवाकर सिंह, कोषाध्यक्ष प्रमोद पांडे, संप्रेक्षक महेंद्र गुप्ता ने मतदान में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराकर जीत हासिल की। रायबरेली ब्यूरो, सुषमा मिश्रा की रिपोर्ट। किस चीज का चुनाव था और किस पद पे आप निर्वाचित हुए? कितने वोटों से आप विजयी हुए? 45। आपका प्रतिद्वंदी कौन था? राजेश। अच्छा, संगठन का उद्देश्य क्या है? मुबारक हो आपको अध्यक्ष पद। 69। क्या क्या नाम है आप? सुनील कुमार राय। किस पद पे चुनाव लड़े थे आप? मंत्री पद पे। कितने प्रतिद्वंदी थे आपके सामने? एक। कितने मतों जीते आप? 69। अरे, क्या उद्देश्य है संगठन का? अमन देखा गया है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद मचा रहता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? क्या नाम है, अपने जो भी साथी हमारे हैं, खासकर न्यू PSC के साथी और CSC के साथी जो हमारे हैं, जो क्या नाम है, रात दिन रह के वहीं काम कर रहे हैं, और उनकी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान आज तक नहीं हो पाया है, और अपने उच्चाधिकारियों से मिलकर हम उनकी समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश करेंगे। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुआ हूँ। कितने मतों जीते हैं आप? 54 मतों से। प्रतिद्वंदी कौन था आपका? राज बहादुर। उनको कितने मत मिले? 29। अच्छा, इस बार चुनाव में देखा गया एक दो गुटों चुनाव लड़ा है मिल के, दो पैनल में। हाँ, ऐसा क्या था कि मतलब एक संगठन पूरा एक संगठन पूरा एक? चुनाव नहीं नहीं, दो गुट ने चुनाव लड़ा बैठा। दो गुट नहीं है, दो विचारधाराएं हैं। हाँ, दो विचारधारा कर लीजिए अपनी भाषा में। दो पैनल चल रही थी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, संगठन एक है, कुछ लोग पहले से निर्वाचित थे, अब उनमें से कुछ लोग पीछे छूट गए, हम लोग अब आगे बढ़ने के लिए एक नया पैनल लेके आए थे, उस पैनल से हम लोग लड़े हैं और जीते हैं। फार्मेसिस्टों के लिए काम करेंगे और हम उनसे अलग नहीं है, हम उनसे जुड़े हुए हैं। चुनाव तो पैनल में ही होता है, अगर पैनल नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, जब दो प्रतिद्वंदी खड़े ही नहीं होंगे, तो चुनाव तो निर्विरोध हो जाएगा। ये रायबरेली जनपद शाखा का चुनाव था, डिप्लोमा फार्मासिस्ट की तरफ से चुनाव अधिकारी के रूप में आया। निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुआ। अच्छा, इसमें अध्यक्ष और किस कौन निर्वाचित हुआ है? अध्यक्ष सुरेश चौधरी जी, जो 79 मत पाए, और राजेश कुमार सिंह 34 मत पाए। इस तरह से 45 मतों से सुरेश चौधरी विजयी घोषित किए गए। दूसरा हमारा था वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए, दो प्रत्याशी थे, राज बहादुर एवं संदीप कुमार। राज बहादुर जी को 25 मत, संदीप कुमार को 87 मत मिले। इस तरह से 62 मतों से संदीप कुमार विजयी घोषित किए। इसी एग्जाम में उपाध्यक्ष पद के लिए दो प्रत्याशी थे, अक्षय कुमार सिंह, अतुल यादव। अक्षय कुमार सिंह 26 वोट, अतुल यादव 86 वोट। इस तरह से अतुल यादव को 60 मतों से विजयी घोषित किया गया। डार्क टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।